दंगल जैसा पिक्चर मुझे तो काफी अच्छी लगी और इतना ब्यूटीफुली शूट किया है पिक्चर कि देखने में मजा आता है। अच्छा था, अच्छा था पिक्चर। अजय भी अच्छा नहीं है, नॉट न्यू स्टाइल का है, अच्छा है, बहुत अच्छे पिक्चर। इट्स ओके, इट्स नॉट दैट ग्रेट। नाइस मूवी, नाइस मूवी, बहुत अच्छा पिक्चर बना है। बोरिंग फिल्म। ओके ओके, ज्यादा अच्छी भी नहीं लगी। बहुत अच्छी थी, अच्छी नहीं लगी मेरे को। जग्गा जासूस, अरे तो टाइटल ही गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है गोपीजन जासूस, राजेंद्र कुमार की और राज कपूर की 70s में चले गए। ठीक है, बर्फी आई थी, अब नया क्यों उसको इस्तेमाल करते हो रणवीर कपूर को? उसमें गुंगा था तो बहुत ही अच्छा काम किया था, इसमें भी काम अच्छा किया, ऐसा नहीं, लेकिन हकलाता है, बोल नहीं पाता है। जब बोलना चाहते हैं तो गाना गाते हैं, तो पूरी फिल्म में गाना ही है। इट वॉज क्वाइट ओके, आई डेंट लाइक इट मच बिकॉज देर इज टू मच ऑफ सॉन्ग एंड आई थिंक रणबीर कपूर कुछ ज़्यादा ही गाना गा रहा है, उसको थोड़ा कम गाना चाहिए था। आई नो वन थिंग इज देयर के कटरीना कैफ और उसकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, पर इट डिडंट वर्क फॉर द मूवी आई गेस। हीरो हीरोइन के हिसाब से काफ़ी अच्छी है और रणबीर कपूर ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। अनुराग बसु जी को उनको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए एज ए एक्टर, पर नवाजुद्दीन भाई जो लास्ट में आते हैं दो मुलेकर। रणबीर वॉज ओके बट लाइक इट्स ओके, द मूवी इज नॉट दैट ग्रेट, द स्टोरी लाइन इज वेरी ओके। रणबीर कपूर का काम सबसे अच्छा पिक्चर में है, जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है दोनों की। रणबीर कपूर तो बहुत ही यंग लग रहे हैं, कैटरीना से भी यंग लग रहे हैं वो, तो देखने में पब्लिक को मज़ा आएगा। रोमांस है ना, वो अलग है, जर्नलिस्ट ये अपने बाप पिताजी को ढूंढना चाहते हैं। काम सबका अच्छा है लेकिन टॉपिक गलत है, जगह जासूस 2 घंटे 40 मिनट की पिक्चर है, 40 मिनट से आप काट सकते हो। कुछ कॉमेडी, कुछ रोमांस, कुछ इनका बढ़ाना चाहिए था, दोनों का रोमांस बढ़ाना चाहिए था। दो आर्टिस्टों का जब यू नो थोड़ा सा झगड़ा फसाद मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द पिक्चर, तो पिक्चर सफ़र करती है, मतलब पर्दे पे हमको दिखाई देता है कि वो केमिस्ट्री नहीं दिखाई देती जो होनी चाहिए। अच्छा, एक तो मतलब क्या किया इन्होंने कि बचपना जो रणबीर कपूर का है वो काफ़ी लंबा खींचा है, और 20 मिनट के बाद पिक्चर जब शुरू हो गई तो 20 मिनट के बाद आपका रणबीर कपूर पर्दे पे आता है। अच्छा, उसके बाद भी बहुत सारी सीन्स फ्लैशबैक में उस बच्चे की दिखाई है, तो बच्चे को मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है इस पिक्चर में। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ, स्टार कास्ट इज़ गुड नो डाउट, और पिक्चर क्योंकि मतलब यू नो वेरी लॉन्ग इन द मेकिंग, यू नो अभी बार बार उस पिक्चर का रिलीज डेट पोस्टपोन करना वगैरह वगैरह, तो वो यू नो लाइक लोगों को लगने लगा कि भाई पता नहीं पिक्चर माइट हैव बिकम स्टेल, ऐसा होता है ना। पॉटी टाइप पिक्चर है, कुछ समझ आई पिक्चर क्या बनाया क्या नहीं बनाया, डायरेक्शन बिल्कुल बेकार है। फेवरेट सीन जब उसको जो वो अपने पिताजी को जब कुछ बोलने लगता है, पुलिस जब उसको बताती है वो कुछ बोल नहीं पा रहा है पुलिस को, वो एक हकलाते वक्त का सीन अच्छा है। सबसे बेस्ट पार्ट वो जो गिद्ध के ऊपर जो दौड़ के भागते हैं, फिर वो जो ट्रेन के अंदर जो शॉट दिए हुए हैं वो अच्छे लगे, गाने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। गलती से मिस्टेक द सॉन्ग इज रियली नाइस एंड इट्स पिक्चराइज्ड इन अ वेरी गुड मैनर, पीपल शुड जस्ट वॉच इट फॉर द पिक्चराइजेशन। सबसे अच्छा गाना तो वही गलती से मिस्टेक जो गाना है वो सबसे अच्छा है, और दिल उल्लू का पट्टा है वो दो गाने सबसे सुपरहिट गाने, बाकी दूसरे जो सब गाने उसमें पूरे गाने में स्टोरी बताई। द सॉन्ग्स वर गुड लाइक उल्लू का पट्टा एंड ऑल बट नथिंग मोर देन दैट। तीन गाने बहुत अच्छे हैं, उल्लू का पट्टा वो और गलती से मिस्टेक हो गई, तीन गाने बहुत ही बढ़िया है। हाँ, दिल उल्लू का पट्टा है, अच्छा लगा, और एक और गाना है जो मुझे अच्छा लगा, मतलब इन दो तीन गाने अच्छे हैं। बहुत सारा ऐसा मटेरियल है कि जहाँ आपको लगेगा नहीं यार इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो या इसको काट दो, डायरेक्शन ओके लेकिन क्लाइमेक्स बराबर नहीं है, क्लाइमेक्स बहुत ही लंबा कर दिया है लोगों ने, पब्लिक बोर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कैटरीना कैफ का हाथ फ्रैक्चर है, लेकिन वो एंड का जो क्लाइमेक्स सीन है ना वो ट्रेन से गिरती है, पहाड़ से गिरती है, प्लेन चलाना आता नहीं इनको, पर पढ़ के प्लेन चलाती है, सब कुछ करती है, कुछ भी नहीं होता उसको, वहीं से भी गिरे हंस के भागती है फिर, तो ये तो कौन सा डायरेक्शन है। अनुराग बासु का डायरेक्शन इज क्वाइट गुड दैट वे बिकॉज ही इज एनीवेज अल्टीमेट अ गुड डायरेक्टर, बट आई थिंक लाइक सर लालू सेड दैट जब तक स्क्रिप्ट में दम नहीं होगा तब तक डायरेक्टर भी क्या कर लेगा, सो आई थिंक या दैट्स ट्रू। 5 में से 4 दूंगा मेरी तरफ से, तो 4। 3 दे दिया सब हमने, तो 3.5। 1 स्टार। 2 -2 दूंगा इसको मैं, तो 5 में से 4 दूंगा। 5 में से 3 या 2। 5 में से 2.5। टेल गिफ्ट 2। 5 में से मैं 2.5 दे सकता हूँ। 5 में से कितना मार्क देंगे आप? 85।